तो यारो तो यारो कैसे हो? आज हम अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले स्मार्ट 5 को, जो कि अपने प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन लेके आता है। तो ये रहा उसका बॉक्स, और इसे खोल के हम लोग देखने वाले कि क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, और मतलब इन हैंड फील इसकी कैसी है। इसको खोलेंगे कैसे? अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि मैं इसे अनबॉक्स कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अभी मतलब लेके नहीं आया जिससे मैं इसको खोल खाल कर दूँ, और मेरे पास नाखून भी नहीं क्योंकि मैंने आज ही काटे हैं और दांत से मैं फाड़ूंगा नहीं। तो बस एक मिनट रुक जा, मैं अभी आया। अब ऑब्वियसली बॉक्स को ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज तुम्हारे सामने आएगी वो है स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन पे एक हरी सी पन्नी लगी हुई है जिसे तुम लोग हटा के फोन को यूज करना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं ये चीज बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है वो तुम लोग को बताना है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी और जो तुम्हारे काम की भी है वो है एक केस। इन्होंने इस प्राइस रेंज में केस देके काफी अच्छा किया, मतलब और सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो इस प्राइस रेंज में मतलब उतना ज्यादा मतलब फोन का केस देते नहीं है, लेकिन इन्होंने देख के काफी अच्छा किया। ये एक हार्ड प्लास्टिक वाला केस है, मतलब तोड़ने पे टूट जाए, ऐसा नहीं कि एकदम मोड़ मार कुछ भी कर सकते हो, आराम से मतलब फोन में लगा के यूज कर सकते हो। साइड से थोड़ा कटा वटा है, तो मतलब तुम लोग के मतलब चॉइस पे निर्भर करता है, तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे मतलब ठीक ठाक लगा। इसके अंदर तुम लोग को एक और स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाता है, जैसा कि तुम लोग को मैंने बताया हरी पन्नी जैसे ही हटाओगे तो फिर तुम लोग को कोई स्क्रीन गार्ड पहले से लगा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक अलग से स्क्रीन गार्ड दे दिया जो कि तुम लोग चाहो तो लगा सकते हो। बेसिकली वो एक पन्नी है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, वो मतलब तुम लोग चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसे बाद में रिमूव भी कर देते हैं, तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम लोग लगाना चाहते हो तो सिंपली क्या करना, वहाँ पर एक वन वाला लिखा हुआ है उसे तुम लोग हटा के अपने फ़ोन पे लगा देना, और लगाने के बाद टू वाले को भी हटा देना। तो इस तरीके से तुम लोग का ये जो स्क्रीन गार्ड है वो भी लग जाने वाला है, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन मैंने इसे नहीं लगाया क्योंकि मुझे बाद में हटाना ही रहता है। अब बॉक्स के अंदर जो सबसे जरूरी चीज़ मिलती है जिसे तुम लोग जरूर से जरूर यूज करोगे वो होता है चार्जर, और चार्जर इसमें तुम्हें देखने को मिलता है 10 वाट का। अब देखो बॉक्स के अंदर जो तुम्हें फ़ोन मिला है उसमें 6000 mAh की बैटरी है और चार्जर है 10 वाट का, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर तुम लोग चार्ज करने जाते हो। तो यहाँ इन्फिनिक्स अगर 18 वाट का कोई चार्जर देता तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब इस प्राइस रेंज में तुम लोग क्या क्या चाहते हो मतलब खुद सोच के देखो। अब बात करते हैं इसका चार्जिंग केबल के बारे में। तो चार्जिंग केबल है इसमें USB माइक्रो वाला, मतलब टाइप सी तो है नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसा ही कहा इस प्राइस रेंज में तुम लोग क्या क्या चीज़ें आप खोज रहे हो। तो USB माइक्रो USB वाला तुम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब अच्छा है इस प्राइस रेंज में, ठीक ठाक है। केबल की क्वालिटी अच्छी है, चार्जर की क्वालिटी अच्छी है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ फ़ोन के फीचर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कि मैं भूल गया, जो कि तुम लोग भी भूल जाओगे, फ़ोन को जैसे ही खोलोगे तो फिर वहाँ पर तुम लोग को कोई भी सिम टूल किट देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि सिम कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है वो है हीलियो की तरफ से आने वाला G25, जिसमें तुम लोग हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो 1-2 घंटे तक, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करोगे तो फिर हीटिंग इशू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का बैक तुम लोग को देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूंगा इस फोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है इसका डिस्प्ले, जो कि तुम्हें देखने को मिलता है 6.82 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, मतलब फुल HD नहीं, HD+, फिर से फुल HD का डिमांड मत करना, HD+ डिस्प्ले है। और ये मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले तुम लोग को देखने को मिल गया इस प्राइस रेंज में इस फोन के अंदर, तो मतलब ये काफ़ी इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें तुम्हें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तुम लोग देख सकते हो कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छी तरीके से तुम लोग देख सकते हो ऑब्वियसली। अब मैं बात करता हूँ इसके स्पीकर के बारे में, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि यार इसमें तो स्पीकर है ही नहीं, मतलब हमें तो कहीं छेद दिखाई नहीं, ना नीचे छेद है, ना साइड में छेद है, ना ऊपर छेद है, मतलब कहीं तो छेद है ही नहीं। स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो आपको स्पीकर देखने को मिलता है वो कैमरा के ऊपर जो कॉल वाला स्पीकर होता है वही आपका मेन स्पीकर भी, और वही आपका कॉल के ड्यूरिंग वाला स्पीकर भी हो जाता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाला है, स्क्रीन वाइब्रेट होगा ये सब चीज़ मत सोचना, काफ़ी अच्छा स्पीकर है। यहाँ पर तुम लोग इसकी ऑडियो क्वालिटी भी सुन सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कैमरा के बारे में, तो कैमरा में पीछे की तरफ तुम्हें 3 कैमरा वाला झूठा सेटअप देखने को मिलता है। देखने में लगेंगे 3 कैमरा है लेकिन है असल में 2 कैमरा, वैसे मैं कहूँगा है असल में 1 ही कैमरा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 1 ही 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। दूसरा तो लो लाइट के लिए ऐसे ही दे दिया गया है कि अगर तुम लोग लो लाइट में जाओ तो तुम्हें थोड़ी अच्छी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा में तुम्हें 1 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि और सभी कंपनीज इस प्राइस रेंज में तुम्हें 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा चेप देती है फ्रंट में। इन्होंने
ने 8 मेगापिक्सल दिया और इससे काफ़ी अच्छी और नेचुरल सेल्फीज आती हैं। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी नेचुरल सेल्फीज आ रही हैं। और तो और अगर मैं बात कहूँ तो इसके फ्रंट कैमरा में बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए, वाइड सेल्फी हो गए, ब्यूटिफिकेशन हो गया, एआर शॉट हो गए, काफ़ी अच्छी चीज़ें। और फ्रंट में अगर तुम लोग चाहो वीडियो रिकॉर्ड करना तो 1080p पे फ्रंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और शार्पनेस वीडियो की काफ़ी अच्छी आती है, मैंने निकाल के देखें, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियोज तुम लोग फ्रंट से भी ले सकते हो। और रेयर कैमरा 13 मेगापिक्सल का, वो भी अच्छा है, कैमरा में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, तुम लोग अगर यूज़ करोगे तुम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूँ, यहाँ पर अगर तुम लोग इस फोन को अगर थोड़ा यूज़ करते हो तो जैसे ही ऊपर करते हो तो ऐप्स का जो स्क्रोलिंग सेक्शन आता है वो मुझे उतना मतलब पसंद नहीं है, वो मतलब ओएस का थोड़ा सा बात है, ओएस में मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम लोग चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है वो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर इस तरीके से करना, यहाँ पर मेन्यू में चले जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर तुम लोग को एक वर्टिकल होगा, इसे हॉरिजॉन्टल कर देना, हॉरिजॉन्टल करने के बाद मतलब तुम लोग को ये वाला आ जाएगा, जो कि मुझे ये बेटर लगा। अगर तुम्हें वो बेटर लगता तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था इसलिए मैंने ये चीज़ तुम्हें बता दी। तो यहाँ पर जो भी हाइलाइटिंग फीचर्स थे वो मैंने तुम लोग को बता दिए, बाकी जो अदर फीचर्स होते हैं जैसे कनेक्टिविटी के, ब्लूटूथ 5 हो गया, डुअल 4 जो, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और तुम लोग को एंड्रॉइड 10 भी देखने को मिलता है, जो कि मैं तुम लोग बता दूँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो 11 मिलेगा तो नहीं, एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिलता है, जो कि मतलब शायद अपडेट हो जाए, वैसे अभी इसे आए हुए मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक एंड्रॉइड 11 इसमें आया नहीं है, लेकिन शायद 11 आए लेकिन 12 तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। अपने प्राइस रेंज में बहुत ही मस्त फीचर